गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अन अकेडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो आपके पास सेकंड पेपर है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और एनवायरमेंट इकोलॉजी भी है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इन दोनों का एक तो हम देखेंगे कि प्री और मेंस के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, प्री प्लस मेंस के लिए इनका सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी बात है कि इन्हें कवर कहां से करना है। तीसरी बात यह है कि इन्हें यदि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो वो कैसे कवर करे, तो कोई बच्चा क्लास करे तो उसके लिए तो मैं बताऊंगा, ये बताऊंगा डेफिनेटली। और सेल्फ करे वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग कर लेने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कहीं कोई लिखा नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, काम आसान हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेल्फ भी करते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो चीज भी मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसे कैसे कहां से करना है, आपको प्रिपेयर करना है। मेरे बारे में कुछ जानकारी, सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके लाइव क्लासेस मिलेंगी। और यदि आप पहले ऑफलाइन में किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़े हैं तो मेरे हिसाब से आजकल वो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इसके लिए आपको, और उसके बाद आप फिर गैट सब्सक्रिप्शन या आरपीएससी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा उसे सिलेक्ट करना है। देन आप 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस 7,000 है, 2 ईयर का लेते हैं तो चार्जेस 8,400 है। बट यदि आप ठोलिया 10 रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1 ईयर के लिए आप 6,300 में और 2 ईयर के लिए 7,560 के अंदर एनरोल कर पाएंगे, तो काफी कम चार्जेस हैं। ये 7:30 बजे पबैड की क्लास चल रही थी, यहां पर आज स्टार्ट हो चुकी है 7:30 AM पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास, तो आप उसे कर सकते हैं। ये 11 बजे यूनिट, 10 बजे नहीं, 11 बजे पॉलिटी की क्लास होती है आपके पास, और 9:30 बजे हिस्ट्री की क्लास होती है। तो ये क्लासेस चल रही हैं अभी। प्लस का बेनिफिट ये है कि एक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आपके लिए, थोड़ी सुविधा हो जाएंगी और स्पेशल गाइडेंस मेरा तो रहेगा ही रहेगा, नोट्स और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट कैसे करें सर आपसे, तो दो तरीके हैं। एक तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके सुरेश ठोलिया सर्च करो, फिर वहां पर मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे आप YouTube पे जाकर के RS ज्योग्राफी सर्च करो, वहां पर आपको 65 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने RS के सारे टॉपिक कवर करे हैं, एक भी नहीं छोड़ा। उसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, तो वहां पर मोबाइल नंबर भी दिए हैं, तो वहां से आप मेरे को एकदम वीडियो के लास्ट में जाओगे तो आपको स्लाइड मिल जाएगी, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दो तरीके हैं आपके पास। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो पहली बात तो है कि हम मेंस को बेस बना के करेंगे, लेकिन प्री में भी यदि आप देखोगे तो पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए है ना। ये आपके पास में प्री का सिलेबस है और इसके बाद आपके पास में यहां से मेंस का सिलेबस है, तो हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो कैसे हम लोग इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो पहले तो जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा पिछली बार तो उनकी फीलिंग बहुत खराब रही होगी इस पेपर के साथ में। सर खराब क्यों रही होगी, उसका जिसने जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा ना उसने भी बहुत अच्छा नहीं किया होगा। देखो, जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है उसने तो खराब किया, उसमें कोई शंका या दो मत ही नहीं है। और ये 70 मार्क्स का पेपर है, और मेरे को जहां तक की समझ है आपके एग्जाम की, उसमें सबसे ज्यादा आपको खराब फीलिंग यदि कोई आई होगी एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद, तो यही आई होगी कि क्या पढ़ के गए और क्या आया एग्जाम में। यानी आपने मेहनत कम की होगी, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन यदि सबसे आपको अलग लगाओ कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, कोई मतलब नहीं है। और ये आंदोलन जिन्होंने किया था 2016 के अंदर कि साइंस हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, मैथ्स हटा दो, रीजनिंग हटा दो, फलाना कर दो, तो उन लोगों को भी धक्का लगा होगा कि हम किस लिए आंदोलन कर रहे थे और क्या हुआ है इसके अंदर। हाँ, पबेड पूरा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, गुरप्रीत जी हो गया, तो क्या हुआ होगा। और ये 70 मार्क्स है ना, इसमें भी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी 20 नंबर ला रहे हैं। आप ईमानदारी से चेक करिएगा कि
कि 70 में से 50 नंबर मेंस के अंदर। प्री के अंदर ऐसा कोई खास झटका नहीं था, लेकिन मेंस के अंदर यह झटका था। उसका कारण यह था कि इसके अंदर आंदोलन किया गया था कि साइंस हटा दो, और बहुत ज्यादा साइंस के उस तरह के टॉपिक भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के पोर्शन को काफी कम भी कर दिया गया, और यहां से लेकर के नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें ज्यादातर पोर्शन यही कहता है कि साइंस टेक्नोलॉजी है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। कुछ यहां पर डाले भी गए हैं साइंस के टॉपिक, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कम रहे, और वही फिर आके आपको दिखेगी तो साइंस यानी प्योर साइंस ही दिखेगी। और टेक्नोलॉजी जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो वहां पर आज के कॉन्टेक्स्ट में चीजें पूछी जानी चाहिए। उनका बेस यदि आप पूछ लिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी हवा में तो बनती नहीं है, उसके बेस में साइंस ही है, तो अब जहां पर टेक्नोलॉजी पूछी जानी चाहिए वहां पर उसका बेस यानी साइंस पूछी गई, और लगभग पेपर साइंस का ही था। टेक्नोलॉजी उसमें, टेक्नोलॉजी का यदि जैसे क्वेश्चन मैं कहूं तो नैनो मिशन था, तो नैनो मिशन करंट का क्वेश्चन है और 2007 का नैनो मिशन है, तो वो सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन भी और सीधा पूछ भी लिया। जैसे देखो नैनो मिशन ऑफ इंडिया यहां पर मेंस के सिलेबस में ये मेंशन है, और यहीं से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन में आपको किसी को भी तकलीफ नहीं हुई होगी, किसी को भी परेशानी नहीं हुई होगी, होने का सवाल भी नहीं पैदा होता, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। लेकिन अब बाकी जगह से जहां से क्वेश्चन पूछे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछे, यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया कोई बना ही नहीं पा रहा था, कौन डायग्राम पढ़ के जा रहा, कोई नहीं पढ़ाया जा रहा, और किसी के नोट्स में ये मिले नहीं, और जो मार्केट के अंदर जो आरएस के लिए बुक्स है उनमें भी ना मिले। तो जो सब कुछ पढ़ने के बाद में, कुछ कॉमन टॉपिक है तो मिल जाएंगे, हीमोग्लोबिन वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कार्बन के अप्रूव वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से किस तरह के जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके पास में परेशान करने वाले थे, समझ रहे हैं आप बात को। तो इसको कवर कहां से किया जाए, जिस तरीके से चीजें पढ़ाई गई वो पूछे ही नहीं, अलग से पूछे, तो ये कवर कहां से करें। या जैसे माइक्रोवेव ओवन वाला क्वेश्चन है, तो इसका क्या उपाय क्या हमारे पास में, तो एक चीज तो ये है कि इनको कहां से कवर करें। दूसरा है कि ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी है, ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी है कि पिछली बार ये रहा तो इस बार भी यही रहेगा। सबसे बड़ा दिक्कत हमारे लिए शॉर्टबैक ये रहेगा कि ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं सोचना है कि यार पिछली बार साइंस पूछी तो इस बार टेक्नोलॉजी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी। बहुत सारे बच्चे सोच करके गए कि चलो एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ये पोर्शन तो ऐसे ही परेशान हो गया बेचारा, यहां से कुछ था ही नहीं, काफी दिन तक प्रिपरेशन करी और नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार क्वेश्चन नहीं हो। तो एक माइंड सेट से उन्होंने पेपर बनाया, और पेपर सीधा का सीधा उन्होंने लगभग पूरा का पूरा पेपर ही 90% पेपर उन्होंने एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक से उठा लिया। ये बात है, तो इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक से वहां से क्वेश्चन बना, पेपर बना, लेकिन ये कतई नहीं सोचना है कि अगली बार भी पेपर यहीं से बनेगा। यूपीएससी ने भी बहुत बार झटका दिया है लोगों को, हमें याद है कि हम जब कभी इस लाइन में थे तो इंडिया की ईयर बुक से क्वेश्चन आया है पिछली बार 8, लोग भी अगली बार ईयर जो बुक है इंडिया की बुक है वही पढ़ने लग गए, अगले पिछले 10 साल से ही नहीं आए। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आ जाए, उन्होंने दिया है वैसे आ जाए, तो हमें जो सिलेबस में जो चीजें दी है उन्हें बहुत ठीक से कवर करनी है। बट जैसे जो साइंस का पोर्शन है, मैं आपको कहूंगा कि जो साइंस का पोर्शन है उसे आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी से कवर कर लेंगे ना, तो मार्केट के अंदर जो ऑथेंटिक बुक्स है वहां से भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा आपको इन एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स में दिया हुआ है। तो फिर सर इनके अलावा क्या करना है, इनके अलावा आपको जो देखना है वो टेक वाला पोर्शन है। इस टेक वाले पोर्शन को आपको अवॉइड नहीं करना है। यदि पिछले साल के पेपर देख लें और उसके आधार पर यदि अनुमान लगाए आप कि इस बार भी वहीं से पेपर बनेगा, तो ये मेरे हिसाब से कहीं भी समझदारी वाला काम तो नहीं है, समझदारी वाला काम तो नहीं है। तो टेक का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कुछ अलग रणनीति होनी है, और जो आपके साइंस वाला पोर्शन है, दो पार्ट है ना इसके अंदर, जैसे बायो वाला पोर्शन है, फिजिक्स वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, या कोई भी टॉपिक चाहे वो टेक का भी है, लेकिन उसे यदि कहीं पर भी हमारी एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मेंशन किया हुआ है तो वहां से इसको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी कहां से कहां पढ़नी है, आरबीएससी की बुक्स कहां से कहां पढ़नी है,
ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर कहां से पढ़ लें। तो मेरा ये सजेशन है कि आप 6 to 12 साइंस की बुक्स पढ़ेंगे, आप 6 to 12, ये फिजिक्स में भी, उसमें हिस्ट्री में भी बताया मैंने आपको, ज्योग्राफी में भी बताया है। तो 6 to 12 की जो आपको साइंस की बुक्स पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है और दोनों की पढ़नी है, ऐसे बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे या क्वेश्चन आरबीएससी से ही आएंगे, दोनों ही रिलेवेंट हैं हमारे लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बार आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने ठीक से पढ़ लिए, कवर कर लिए, यूट्यूब पे वीडियो है, तो उसके बाद आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह जो है वो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी, तो आप इस तरीके से चीजों को कवर कर लो। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी अवेलेबल, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका कह रहा, जो प्लस पे उनकी बात ही नहीं है, वो तो उनको तो मैं कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, रोज ही बोलता। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स है उनके रिलेवेंट चैप्टर, जैसे एनसीईआरटी की 6 क्लास की बुक है तो 3-4 ही चैप्टर रिलेवेंट है इसके अंदर, और 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ करके सारी बुक्स का कौन, एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा चैप्टर है उसके अंदर, तो उसमें कुछ कुछ चीजें छाड़नी पड़ेगी। बायो के मैंने बताए थे आपको, बाकी सारी चीजें बताई 6 to 12 तक, और 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के, तो उसका वीडियो है, तो वहां से देख लो कि कौन कौन से चैप्टर रिलेवेंट है। तो 6 क्लास की बुक में आपको 3-4 चैप्टर ही रिलेवेंट मिलेंगे, ऐसे 7th में भी सारे रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, कई चैप्टरों के अंदर टॉपिक ही सिर्फ रिलेवेंट है हमारे लिए, और 11th-12th की जो बुक्स होती है फिजिक्स की है केमिस्ट्री है उनमें तो पूरी जैसे दो भाग के अंदर दी हुई है, तो एक एक दो दो तीन तीन कईयों में दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कई में एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कई में तीन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कई के अंदर आपको ये दिखेगा कि पूरा चैप्टर के अंदर पूरा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसमें केवल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपको लगेगा कि टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यदि किसी टॉपिक के अंदर जाके बहुत ज्यादा डेरिवेशंस दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा इक्वेशंस दी हुई है, तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, उतना डेप्थ में नहीं जाएगा कभी भी। तो बहुत ज्यादा इक्वेशंस पे बहुत ज्यादा, हाँ बीटा प्लस बीटा माइनस वाला क्वेश्चन था फिजिक्स से तो वो था, लेकिन यदि अपन बात करें तो बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है उसको लगेगा कि सर 12th तक हिस्ट्री पढ़नी, 12th तक ज्योग्राफी पढ़नी, 12th तक की एनसीईआरटी में साइंस पढ़नी। मैं कह रहा हूं कि 11th-12th की साइंस नहीं पढ़ी जा सकती है, और पूरी पढ़ने की कोशिश करें तो बेवकूफी है, लेकिन कुछ टॉपिक पढ़े जा सकते हैं क्योंकि पेपर आ रहा है 11th-12th की बुक से ही आ रहा है, ज्यादातर 12th की बुक से, 10th की से, 6th-7th-8th से आ रहा है, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें कवर तो करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और इस बार थोड़ा सा घटके पेपर बना इसलिए लोगों को परेशानी हुई, यदि टेक्नोलॉजी पूछते और साइंस नहीं पूछते ना वो, तो आपको इतना दर्द नहीं होता, ना आप वीडियो देख रहे होते ना मैं बना रहा होता, क्योंकि सीधी सीधी चीजें हैं, पूछते ही पूछते। साइंस में मैं आपको ये कहूंगा कि कोचिंग के नोट्सों पर आप डिपेंड करिएगा मत, साइंस में जो हेमंत जी पूछ रहे हैं उनको मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के लिए कोचिंग के नोट्स पे नहीं, क्योंकि पिछली बार जो साइंस का जो पोर्शन है ना वो आपको परेशान करा ही करा था। तो यदि नोट्सों पर थोड़ा बहुत आप डिपेंड रहना है तो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए और टेक वाले के लिए थोड़ा डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो प्योर साइंस है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसके लिए तो आपको 6 to 12 तक की बुक्स कवर करनी है और अपने जो रिलेवेंट टॉपिक्स है वो कवर करने। यदि हमारे जैसे वनस्पति विज्ञान नहीं है तो नहीं कवर करना है, कितना भी अच्छा लिखा है कुछ भी लिखा है हमें उससे नहीं मतलब है। तो एक तो आपको ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स है दोनों की रखनी है और दोनों को कवर करना है और टॉपिक देख के कवर करना है। और अभी फिलहाल जो आपको करना है कवर करना है वो जैसे प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके प्री के सिलेबस में भी है और मेंस के सिलेबस में भी है, तो दोनों को एक साथ कवर कर लेना है आपको, ठीक है ना। दोनों को एक साथ कवर करना है, देखो यहां पर दिया होगा ना, हाँ टेली कम्युनिकेशन है तो ये इसी से संबंधित है, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें जो इनको अच्छे से कवर करनी है, तो एक साथ कवर कर लेना उन सब चीजों को जो दोनों के अंदर कॉमन है उनको छांट करके। कुछ जैसे साइंस वाला पोर्शन है इसके अंदर मान लो कि जैसे बेसिक जानकारी, एक चीज आप देखो कि प्री के अंदर टेक्नोलॉजी के टॉपिक ज्यादा है आपके, जैसे देखो बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस ये एक टॉपिक है, इसके अलावा देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी सिर्फ प्री में है, लेकिन यहां से क्वेश्चन प्री में थोके भाव पूछते हैं, पिछली बार प्री में मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से थे, तो खूब सारे पूछते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो है, और यहां से खूब क्वेश्चंस आते हैं। कायदे से मेंस में आने चाहिए टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, प्री में फिर भी साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा है,
मेंस में साइंस के क्वेश्चन, प्री में टेक के क्वेश्चन, तो टेक के खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, यहां से भी प्री में खूब क्वेश्चन आए, और प्री में ये पोर्शन यदि किसी ने प्रिपेयर करा 2018 के अंदर तो बहुत ही ज्यादा एज मिला था उसको। करवाएंगे करवाएंगे, यूट्यूब पे करवाएंगे, चिंता मत करो, वही बात करूंगा मैं, परेशान मत हो। तो ये इसका खूब एज मिला होगा आपको, यदि आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, गामा बायोडाइवर्सिटी, शब्द अलग लगते हैं, लेकिन यदि आपने, मैंने 360 पर राजस्थान 360 पर ये चीजें करवाई है, तो यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये पोर्शन ऐसा है जो कि आप 10 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन है आपका, प्री और मेंस दोनों के लिए 10 डेज में प्रिपेयर हो सकता है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ, आप इसे सेल्फ करेंगे थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, इसके लिए आपको जो है वो, इसमें सबसे बढ़िया बुक मेरे को जो लगती है वो दृष्टि की लगती है। दृष्टि की बुक है, लेकिन काफी मोटी है, वो बड़ी है, तो आपको रिलेवेंट चीजें आपको छांटनी पड़ेगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि आप छांटने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो राजस्थान 360 पर मैंने पूरा तो नहीं करवा रखा, क्योंकि मेरी उतनी क्लासेस हुई उसमें, लेकिन काफी चीजें मैंने कवर करी है राजस्थान 360 पर। तो उसको पढ़ने के बाद यदि आप यूट्यूब चैनल ये अनअकैडमी का है, तो उसमें उसके बाद यदि आप दृष्टि कवर करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि सर ने चीजें, काम की चीजें बता दी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है उसका, यदि आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो फिर आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसको मैंने थोड़ा सा एसीएफ वगैरह के हिसाब से करवाया, तो उतना डिटेल से नहीं करवाया है, तो प्री के हिसाब से वो बहुत सही है, मेंस के हिसाब से फिर जब करवाएंगे तो और बता देंगे। लेकिन जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, ये आपके फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स दिए हुए, वहां से कवर करनी है। इसी तरीके से कुछ वेव्स वगैरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके चैप्टर कुछ फिजिक्स में दिए हुए, उनको कवर करना है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी से कवर करना है। अब सवाल यह है कि सर ज्ञान देने से क्या होता है, करवाओगे क्या अभी? बिल्कुल करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे। इसमें टेक वाला पोर्शन तो मैंने प्लस पे शुरू कर रखा है, तो ऑब्वियस है कि मैं नहीं करवा पाऊंगा यूट्यूब पे। लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन है, उसमें मेरी इच्छा यही है कि एक बार हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाए, तो मैंने सिक्स की जैसे हिस्ट्री करवाई आपको, सेवंथ की कराई और एट्थ की कराई, उसके बाद में मैंने हिस्ट्री शुरू करा, तो उसमें जैसे अभी सिंधु घाटी सभ्यता, तो मैंने करवाने के साथ साथ ही पूरा चैप्टर जो है ट्वेल्थ क्लास का वो करवा दिया उसमें। अब जैसे मैं वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा, तो वही जहां पर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया, सारे फैक्ट मैं उसके अंदर ले ले रहा। ऐसी तरीके से मैं ये सोच रहा कि साइंस वाला जो पोर्शन है, ये मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पे कवर करवा दूंगा आपको, जिसके अंदर सिक्स सेवंथ एट्थ की बुक्स में पहले कवर कराऊंगा, और उसके बाद में अपन जो साइंस वाला पोर्शन है उसको कवर करने के साथ साथ इलेवंथ ट्वेल्थ के अंदर, नाइन टेंथ के अंदर भी जो चैप्टर्स के अंदर जो चीजें दी हुई है उसको लेकर के उससे कवर कर लेंगे। तो मैं, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट कर रखा है कि एनसीईआरटीज में आपको कवर करवा दूंगा, तो ये इसके लिए आप मेरे पे डिपेंड कर सकते हैं, और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की भी वैसी कोई खास जरूरत है नहीं। हाँ, यदि आप टेक वाला पोर्शन भी कवर करना चाहते हैं, देन आपको चाहिए, क्योंकि वो पोर्शन सिर्फ प्लस पे हो रहा है, लेकिन साइंस वाला क्योंकि एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, आपसे पहले कमिटमेंट है, तो वो करवाऊंगा मैं, तो वो करवाऊंगा, लेकिन ये करवाऊंगा मैं आपको हिस्ट्री के बाद में। लेकिन ये बहुत रिलेवेंट चीजें रहेगी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी को आपको कहां से खुद सेल्फ प्रिपेयर करना है, तो दृष्टि की बुक लेनी है आपको। इसी तरीके से जो टेक वाला पोर्शन है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए है चाहे मेंस के लिए, इसके लिए भी दृष्टि की बुक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो, उससे कवर कर लो आप। तो दोनों के लिए ही, उसके अलावा बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप थोड़े से करंट डेवलपमेंट्स वगैरह जो है, उन करंट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखो आप, जितने भी, जैसे कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है, अभी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, उन सब चीजों को कवर करते रहना है। क्योंकि कई बार होता है क्या, करंट की चीज पूछ लेते हैं। हाँ, ये बात है कि जितना अपडेटेड यूपीएससी है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, उतना अपडेटेड आरपीएससी नहीं है, उतने आपके उस तरह के क्वेश्चन, जिस तरह के लेवल के यूपीएससी पूछ लेती है, उस लेवल के आरपीएससी से नहीं पूछे जाते। और पिछली बार आपको परेशानी हो गई, वो इसलिए हो गई कि आप नोट्सों पर डिपेंड थे या मार्केट की बुक्स पर डिपेंड थे, उन्होंने चीजें एनसीईआरटी और आरबीएससी से ले ली, तो आपको तकलीफ हुई, आपको परेशानी हुई। लेकिन इस बार हम लोग इस तरह की कोई गलती करने वाले नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नोट्स नहीं पढ़ने, बुक नहीं पढ़नी, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो चीजें हमने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो पढ़नी भी होती है, लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएससी को कवर करना है। और ये बहुत ज्यादा हवा नहीं बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जितना 6-12 की एनसीईआरटी के अंदर मैटर दिया है ना, जितना दिया उसका 20% ही हमारे काम का है, एटलीस्ट साइंस में। तो मैं ये बात आराम से बोल सकता, यानी जितना 6-12 के अंदर दिया हुआ है उसका 20% पोर्शन ही हमारे सिलेबस में है, 80% तो हमें पढ़ना ही नहीं है,
80% नहीं पढ़ना है, तो इस 20% को हम लोगों को कवर करना है, करेक्ट ना। जैसे मैंने आपको पढ़ा भी दिया, मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया सिंधु घाटी से सभ्यता कवर हो गई, उसके बाद आपको एक चीज ये करनी है कि आपको भी एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, जो कि आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा चैप्टर को पढ़ने में, मैक्सिमम लगेगा तो मैक्सिमम किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा लेंथ होगा तो 1 घंटा, और आपको उसमें लगेगा 90% चीजें सर ने क्लास में कवर करवा दी थी। तो उस तरीके से आपको एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना एनसीईआरटी को और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, आपको क्यों गुजरना चाहिए, क्योंकि कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है, हम समझा तो सारी बातें देते हैं लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसी बन के आती है जो आपको कंफ्यूज करती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो जब आप एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक बार खुद गो थ्रू होंगे ना, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो क्लासेस से कवर हो रही है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को देखने के लिए एक बार आपको, जिसमें बहुत टाइम नहीं लगता, आपको लगता है, आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसे ही जैसे बाकी किसी चीज को पलट रहा था उतने में मैंने एनसीईआरटी आरबीएससी को पलट दिया। यदि आप बिल्कुल आप सेल्फ ही कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि फिर आपको थोड़ा सा डेप्थ से ध्यान से चीजों को कवर कर लेना चाहिए, लेकिन ये इसके बिना आप जाइएगा मत एग्जाम में, एनसीईआरटी के बिना आरबीएससी के बिना चार ही सोर्स रखना है और कुछ नहीं रखना है, एक एनसीईआरटी रखनी है, एक इसके अंदर आरबीएससी की रखनी है यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तब, और एक दृष्टि की एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक रखनी है, और एक दृष्टि की ही आपको साइंस टेक की बुक रखनी है यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तब, यदि आप सेल्फ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ये बुक्स अपने पास में रख सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो पोर्शन है, जब मैं पढ़ा रहा हूं प्लस पे तो आपको साथ साथ कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, और साथ साथ बताता भी चलूंगा कि ये पोर्शन यहां पर दिया हुआ है, यहां से आज आप पढ़ के आ क्या जाना, तो कॉन्सेप्ट के वाइज आपको चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये इस पोर्शन को करने का तरीका है, ये ध्यान रखना है, और अपने सिलेबस से बाहर चीजों को देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अब आप चाहते हैं कि खुद के मैं नोट्स बनाऊं, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं नोट्स, कोई इशू नहीं, और यदि आप सेल्फ करने के साथ साथ यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब में तो मैं आपको लिखवा ही रहा हूं तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, तो साथ साथ आप लिखते भी चलिएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से एक बार मैं कहूंगा कि उसकी लैंग्वेज के लिए भी गो थ्रू होना जरूरी होता है, वो चाहिएगा। हाँ, वो हम चैप्टर बता दूंगा मैं आपको, और बताया भी पहले मैंने, और पेज नंबर भी बता दूंगा आपको, तो वो चैप्टर और पेज नंबर भी वो भी कवर कर लेना है, पहले भी मैंने चैप्टर्स वगैरह आपको बताए साइंस के अंदर, ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करना है, ठीक है ना। करंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे डीआरडीओ ने अभी तक कौन सी चीजें करी है अभी हाल ही के अंदर, या जैसे आपके पास में स्पेस टेक के अंदर नई चीज क्या हुई है, इस तरह की चीजों को, हर सेक्टर के अंदर क्या हुआ है, कंप्यूटर अभी सुपर कंप्यूटर मार्केट में कौन सा आ गया है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इस तरह की चीजें टेक वाले पोर्शन के लिए आपको, और बिल्कुल आपको अचंबा करने वाला पेपर हो सकता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है कि टेक्नोलॉजी के अंदर करंट अपडेशन बहुत जरूरी है। तो पिछली बार जैसा ही पेपर आएगा ये तो बेवकूफी हो जाएगी मानना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर है जो पेपर बना रहा है उसका माइंडसेट होता है, नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं है राजेश जी, मैंने ये कहा ही नहीं है कि अभी एनसीईआरटी आरबीएससी से आएगा क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मैं कह रहा हूं कि ये कवर करना जरूरी है, लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन है ना, ये बात ये नहीं है कि एनसीईआरटी से आएगा या आरबीएससी से आएगा, बात ये है कि जो साइंस वाला जो पोर्शन दिया है ना, वो उसको सबसे अच्छे ढंग से कवर ही आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स में किया गया है, बात ये नहीं है कि कहां से आएगा, बात ये कि अच्छे ढंग से वहां से कवर हुआ है, लेकिन टेक वाला जो पोर्शन है उसके लिए आपको दृष्टि पढ़ लो, और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी दृष्टि पढ़ लो, फिर और एनसीईआरटी पढ़ लो, मेरे हिसाब से देन मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाद आपको इस पोर्शन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और करंट से अपडेट रहते रहो कि करंट में कौन सी चीजें हो रही है, कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन सी चीजें लॉन्च हो रही है। एक चीज और ध्यान देना है, कुछ हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, प्रीलिम्स में भी पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं, उसके लिए आपको उस साल का इकोनॉमिक सर्वे जरूर कवर करना है आपको, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना है उसी ईयर के, उसी साल के इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि पिछली बार जो 10 नंबर का क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक सर्वे से था, कुछ योजनाएं वगैरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ योजनाएं, वो इकोनॉमिक सर्वे से सीधा उठा करके क्वेश्चन था 10 मार्कर का, तो स्वास्थ्य योजना वगैरह है उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए इस तरह की चीजों के लिए। तो ये इतने ही सोर्स है आपके पास में, एनसीईआरटी आरबीएससी यदि आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और आपको चाहिए दृष्टि की मैगजीन, दूसरा दृष्टि की एनवायरमेंट इकोलॉजी, दृष्टि की साइंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सर्वे, और करंट में अंदर किसी तरह का अपडेशन होता है, इसके बियॉन्ड आप कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, मेरे हिसाब से करने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको झटका नहीं लगेगा।
यदि 2016 का भी पेपर आप देखोगे ना तो भी उसके अंदर भी प्योर साइंस पूछी गई है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं इन बुक्स के माध्यम से। और साइंस वाला बच्चा भी यहां पर क्यों खराब कर रहा है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे को एक तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हाँ कुछ बच्चों को, दृष्टि की आरएस के लिए भी अलग से आ रही है क्या मैग्स बुक, दृष्टि की तो करेस्पोंडेंस कोर्स में लगा रही होगी, नहीं तो आईएएस के लिए ही आती है दृष्टि की बुक, तो करेस्पोंडेंस कोर्स वाली मत लीजिएगा अब, जो है वो वही ले लीजिएगा, उसमें ज्यादा चीजें अच्छे से कवर होती है। करेस्पोंडेंस में क्या होता है, उन्होंने काट काट के लिखा हुआ है तो उतना चीजें आपको समझ आएगी नहीं, लेकिन जो आपके पास में आईएएस वाली है वो थोड़ा डिटेल से लिखी हुई है तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएगी। देखो आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए के तो बेचारों के समझने की दिक्कत है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं ना वो भी 20 नंबर ही ला रहे हैं 70 में से, तो उनको चौड़ा होकर के चलने की जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरे को साइंस आती है, तो इस कॉन्फिडेंस को साइड में रख करके, और बहुत सारे लोगों को धक्का लगा है, और जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उन्हें इस तरीके से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आज सुबह पढ़ा रहा था तभी इस भावना को मैं महसूस कर रहा था कि साइंस वालों को लग रहा है कि अब मजा आया है, अब हमारी जो है हमारे एरिया की बात हो रही है। ऐसा कभी भी इस तरह की चीज अलग से नहीं करनी है, आप ये सोचो कि जितना साइंस प्रिपेयर करना पड़ रहा है आर्ट्स वाले को उतना ही साइंस मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप मार्क्स ला सकते हो, नहीं तो आप एज नहीं ले पाओगे। साइंस वाला बच्चा एज ले सकता है यहां से, लेकिन एज नहीं ले पाएगा यदि उसने सोचा कि ये तो मेरे को आता है, तो क्योंकि आना अलग बात है, आरएस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग बात है, तो उसके लिए ध्यान से बैठ करके आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर लो। और टेक तो आपको आता ही नहीं है साइंस बैकग्राउंड के हो तो क्या हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं आपके साइंस बैकग्राउंड में, साइंस ही थी, तो टेक वाले को तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ना ही पड़ना है, कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, किसी तरह की चीज गेस करके नहीं जाननी है कि पिछली बार एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आया तो इतना दिमाग क्यों लगाए, या पिछली बार आरबीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो यहां टेक पर क्यों दिमाग लगाए, कोई चीज गेस नहीं करनी है, हमें सारे हथियार अपने पास रखने हैं, शाम दाम दंड भेद सारी चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, इस तरीके से इन सब चीजों को कवर करना है। तो ये एरियाज है जहां से आपको चीजें कवर करनी है, इसके बियॉन्ड कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक आपके पास में ये चीज है जहां से आप इन सब चीजों को कवर कर सकते हो, सब दिया हुआ है टेक के अंदर, सब दिया हुआ है दृष्टि के अंदर, कोई इश्यू नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मीडियम का कोई अंतर पड़ता है, इस तरह का कोई अंतर नहीं पड़ता मीडियम मीडियम का, बिल्कुल इसके लिए मीडियम वगैरह के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपका जो मीडियम है जिसमें आप कंफर्टेबल है हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में रहो, इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश में रहो, मीडियम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी भी पांचवीं रैंक मिलती है तो कैसे मिलती है उन लोगों को, तो ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है, ऐसा कुछ भी विचार करना नहीं है, ये बात समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। हाँ एक चीज आप कर सकते हो, देखो क्या कि जैसे मान लो कि ये पीएच स्केल के बारे में आपको कई जगह जानकारी मिलेगी, जैसे पीएच स्केल से पिछली बार भी 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 मार्कर का क्वेश्चन था, तो ये हर जगह मिल जाएगा आपको, जैसे एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी कई जगह दिया हुआ है, जैसे 7th की बुक में भी दिया हुआ है, उसके बाद मेरे हिसाब से 10th वगैरह की बुक में भी दिया हुआ है, तो अलग अलग बुक्स के अंदर दिया हुआ है, तो दो तीन जगह दिया हुआ है। इसी तरीके से जब आप आरबीएससी की बुक पढ़ोगे तो उसमें भी 2-3 जगह दिया हुआ है ना, 10th की बुक में भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है ये, तो एक साथ एक बार आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लो, एक साथ बनाओ इनमें से सबसे इकट्ठा करके, है ना, आरबीएससी के अंदर भी देख लो कि पीएच के बारे में क्या दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी देख लो कि पीएच के बारे में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लैंग्वेज या कोई लाइन हम मिस कर सकते हैं, जैसे पिछली बार था कि दंत 6 है, हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया हो, या जैसे मान लो दूध है उसके अंदर कुछ पत्ते वगैरह डाल दो तो क्या फर्क पड़ेगा दही जमने पे, तो उस तरह के हो सकते हैं कि एग्जाम्पल एक बुक में दिया हो दूसरे में नहीं दिया हो, तो इस तरह की चीजें आपको अलग अलग बुक्स में मिल सकती है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। और चीज ये होती है कि साइंस ऑब्जेक्टिव है, होता क्या हिस्ट्री वगैरह के अंदर हम तो आइडिया लगा लेते हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी हम थोड़ा सा चीजें रिलेट कर लेते हैं, साइंस के अंदर यदि आपको चीजें आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, बात ही खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको धक्का लगेगा, तो आप ये कार करके जाओ एक साथ कवर कर लो, जितनी भी जगह आपको पीएस दिया हुआ है एक साथ टिक कर लो और वहां से एक साथ नोट्स बना लो, ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। या जैसे स्टेटोमीटर्स है, इसके अंदर अवस्थाएं जो हैं
इसकी बात करिए तो ये भी कहां कहां पर दिया हुआ है उसको एक बार सर्च कर देगा। सेल्फ कर रहे हो तो नहीं, तो यदि मैं करा रहा तो आपको सारी चीजें एक साथ करवा ही रहा हूं, सारी चीजें देख करके, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार गो थ्रू तो होना ही होना है चीजों से। हाँ, जल्दी हो जाएगा। कोरोजन के बारे में भी दो तीन जगह चीजें दी हुई है, 6-7 की बुक में सारी चीजें दी होती है लेकिन बहुत शॉर्ट में दी होती है, कुछ टॉपिक नहीं भी होते आगे की क्लासेस में, ये भी ध्यान रखना है, इसलिए मिस नहीं करना है। 6th क्लास की 7th क्लास की 8th को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो मैंने 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी करवा रखी है, साइंस की 7th क्लास की भी आधी करवा रखी है। हाँ, मैंने उसे आरएस के हिसाब से नहीं करवा रखी, पूरी पढ़ा रखी है। तो अभी अपन जब भी करेंगे स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे। आज जो मैंने आपको बताने का मेरा पर्पस ये था कि अभी मैंने इसी से जो है वो कोर्स शुरू कराया, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी बता दूं और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको भी मेरा कुछ गाइडेंस हो जाए। तो आज ही मैंने इसके संबंध में बैच स्टार्ट कराया और आज ही पहली क्लास हुई है। आज मॉर्निंग में इसकी फर्स्ट क्लास थी और 7:30 पे स्टार्ट हुआ है 7:30 बजे, और स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने स्टार्ट करा है। जितनी भी चीज़ें इसके लिए कॉन्सेप्ट है, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से यदि आपने अभी एडमिशन नहीं लिया तो ले सकते हैं। शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही करूंगा, आप मान के चलूंगा कि मैं 800 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स भी नहीं पता है, ये मान के चलता मैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ है, आप कर सकते हैं। टेक से स्टार्ट किया है मैंने, और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के जो फिजिक्स वगैरह में दिए हैं वो साथ में लेके चलूंगा, साथ में कवर कराऊंगा। जैसे आपको ध्यान में होगा कि अपन ने पबेड पढ़ा है, तो उसके अंदर अपन लोगों ने मैंने बताया कि आपको यहाँ से कवर कर लेना है, इसको यहाँ से कवर कर लेना है, इसको यहाँ से कवर कर लेना है, सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। हाँ, कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो फिर उसके लिए तो आपको मेरे ऊपर भी डिपेंड रहना है। तो ये आज ही एक बैच स्टार्ट हुआ है। इसका तरीका क्या रहेगा तो मैं बता ही चुका हूँ कि एक तो पहले तो क्लासेस रहेंगी सारी, इसको मैं पोर्शन को कवर कराऊंगा, उसके साथ साथ टेस्ट रहेंगे। जैसे अभी तक जो टेस्ट हो रहे थे पबेड और पॉलिटी के हो रहे थे, कल से जो टेस्ट हो जाएंगे वो टेक्नोलॉजी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट होंगे। तो जहाँ से आरबीएससी में जहाँ पर ये दिया हुआ है कोई पोर्शन है, कोई छोटा मोटा, जैसे टेक चीज़ें, टेक की चीज़ें कम ही है लेकिन फिर भी जहाँ पर दिया हुआ है, और थोड़ा बहुत जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह या एनसीईआरटी है, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर इन बुक्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है, उन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे अपन लोग। उन्हीं का टेस्ट करवाएंगे, डेली टेस्ट बेसिस पे इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, और टेस्ट होने के बाद में डेली जो है हाफ एन आवर का उस टेस्ट पे अपन डिस्कशन रखेंगे। अभी मैंने 2-3 दिन से टेस्ट आपको नहीं मिला होगा, उसका कारण ये है कि मैंने एक साथ पूरा पबेड कवर होने के बाद में एक साथ पूरे पबेड का टेस्ट करवा दिया आज मैंने, इसलिए 3 दिन मैंने आपको ऑफ दे करके और टेस्ट करवाया। तो इस तरीके की चीज़ें मैं बीच बीच में करता भी रहूंगा कि भाई जैसे साइंस टेक कवर हो गया तो 3 दिन का ऑफ देकर पूरा साइंस टेक का टेस्ट ले लिया, ये चीजें तो होती रहेगी। अभी जैसे मैं 2-3 दिन का ऑफ दे करके फिर आपको पूरा पॉलिटी का टेस्ट लूंगा, तो इससे आपको बीच बीच में रिवीजन हो जाएगा। किसी दिन में फिर आपको एथिक्स का टेस्ट ले लूंगा, किसी दिन में फिर आपको और किसी जो पोर्शन है हिस्ट्री का टेस्ट ले लूंगा। तो इस तरीके से ये चीजें जो है चलती रहती है। इस टेस्ट में एनसीईआरटी जो है वो है, माध्यमिक आरबीएससी है, इसके अंदर जो दृष्टि की ऑथेंटिक बुक्स वगैरह है वो सारों का मटेरियल रहेगा, क्लासेस के अंदर भी रहेगा, टेस्ट के अंदर भी रहेगा, डिस्कशन में भी रहेगा। मैं आपको गाइड तो करूंगा ही करूंगा डेफिनेटली इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट रहेंगे। अब कुछ बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा तारतम्य बढ़ाने में आपको मुश्किल हो जाती, कि आपको मैं फिर एक्सप्लेन करता तो आपको समझ में आना मुश्किल हो जाता कि सर किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। फिर भी आप यदि टेस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे तो भी 1 साल का 6,300 चार्जेस है और 2 साल का 7,560 है, और यदि आप क्लासेस के साथ साथ आप टेस्ट करेंगे तो भी वही बात है, यानी आपको मिलना दोनों में ही सेम पैकेज है। आप टेस्ट लेंगे तो भी आपको क्लासेस मिलेंगी, यदि आप क्लासेस लेंगे तो भी आपको टेस्ट मिलेंगे। हाँ, बट टेस्ट के लिए आपको बस केयरफुली यूज करना है कोड ठोलिया 10, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुली यूज करना है। और यदि आपको कॉन्टेक्ट करना है तो पुराने ज्योग्राफी के वीडियोज देखिएगा, उसमें मैंने लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आरएस ज्योग्राफी डालेंगे तो आपको वहां पर पूरी आरएस की ज्योग्राफी भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल है, आज का वीडियो देख सकते हो, हमेशा देख सकते हो, 2 साल में 50 बार देख सकते हो, 100 बार देख सकते हो, कभी भी नहीं हटेगा, वो हमेशा रहेगा, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से स्क्रीनशॉट लो, ये लो, वो सब छूट है इसके अंदर। आगे स्पीड आगे इंक्रीज करो डिक्रीज करो, सारी फैसिलिटीज है, डाउनलोड करो, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जितनी अनअकैडमी दे रही बाकी नहीं दे रहे, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे, ये नहीं लेने दे रहे, सब छूट है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ पूछना है तो
हाँ राजेशी पबेड़ पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है राजेशी कंप्लीट हो गया। अनुप जी मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार आप है ना, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम है ना, हाँ तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, हिंदू को भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू के अंदर बहुत सारे जो रिसर्च, जो मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था अभी, मैंने कहा जिस लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी पहुंच गया है ना, वहां पर अभी आरपीएससी पहुंचा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हिंदू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नए नए रिसर्च जो होते हैं, पुरानी चीजें तो छपेगी नहीं, अब हिंदू के अंदर नई चीजें ही छपती है, नए रिसर्च जिस लेवल के हिंदू में आते हैं उस लेवल तक अभी आरएस के जो है या आरपीएससी के जो पेपर बनाने वाले एग्जामिन है लोग हैं वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है, इसलिए आपको कम फायदा हो रहा है। यूपीएससी में बहुत फायदा होता है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिंदू से, लेकिन यहां पर वहां तक लोग ही नहीं पहुंचे हैं, ये लोग पेपर बनाने वाले ही नहीं पहुंचे, तो दिक्कत ये है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो चीजें सामान्य कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है वो विजन के अंदर अच्छे से किया तो विजन में से कर लो, स्पेक्ट्रम में अच्छे से किया तो स्पेक्ट्रम में कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप कर सकते हैं। महेंद्र जी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एज 39 है आपकी कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कुछ अंतर नहीं पड़ता। हाँ अक्षय जी मैं ऐसे मेरे टेलीग्राम पे दिमाग में से निकल गया, अभी मैं फ्री होते ही डाल दूंगा, परेशान मत हो आप उसके। दिलीप जी थोड़ा सा टाइपिस्ट वाला इश्यू चल रहा है, एक दो दिन में वो रिजोल्व हो जाए तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस बात को आप समझो थोड़ा सा। हाँ पता है मेरे को कमलेश जी, नहीं मिली आपको, मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं मिली है। आरएस की वैकेंसी, आरएस की, अच्छा पॉलिटी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? पॉलिटी के अंदर एक तो प्री के अंदर एक टॉपिक बचा है लोकनीति और वो कवर करेंगे, और एक बचा है आपके पास में जो आपके पास में डायनेमिक्स है, जो है पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, राजनीतिक गत्यात्मकता है, वो टॉपिक है जिसके अंदर जाति का प्रभाव है, धर्म का, वो टॉपिक मेंस का है, वो बचा हुआ है, तो अगले 7-8 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 7-8 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। रुचिका जी आप मेरे से संपर्क करिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे होता डिस्कशन, कहां पर होता, कॉन्टेक्ट करिएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो, कोई डाउट है आपको किसी भी बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन के बारे में आपको कोई भी संदेह रह गया है, या किसी और उम्मीद से आप आए थे और आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो आप आराम से पूछो, मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी आपके मन में डाउट है तो आराम से पूछ लो। हाँ राजस्थान पॉलिटी भी करवाएंगे लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, एग्जाम से पहले करवाएंगे, क्योंकि वो छोटा सा पोर्शन है, 5-4 क्लासेस का है, कुछ अपडेशन हो जाएगा तब तक तब करवाएंगे। महेंद्र जी आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, अब मेरे को बताइएगा तो ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर मीटिंग कर लेंगे अपन, ऑनलाइन ही मीटिंग कर लेंगे, नहीं तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मोबाइल नंबर मैं बता दूंगा। हाँ तो मेरा गाइडेंस, आप क्लासेस करते हैं तो मैं पूरा गाइडेंस रहता राजेश जी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है चलो मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन है, तो कॉन्टेक्ट करने के दो तरीके आपके पास में, एक तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, मयूर जी मेरे को लगता है कि 7-8 महीने तो इस सिलेबस को चाहिए, यदि आप फुल टाइम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो टाइम चाहिए, यदि पूरे दिन आपके पास यही काम है तो। विक्रम जी ये मत पूछिएगा कि साइंस एंड टेक के कितने पार्ट परसेंट मार्क्स है वो करंट पे रहेंगे, जैसे आप यदि देखोगे तो 2018 के मेंस के पेपर में 5 नंबर का ही था, और वो भी 2007 का नैनो मिशन था, तो एक भी क्वेश्चन करंट का नहीं था मेंस के अंदर, तो ये एग्जैक्ट बता देना कि करंट इतना रहेगा कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ही साइंस एंड टेक का जो है वो करंट पे बेस्ड हो, और हो सकता है कि पूरा का पूरा ट्रेडिशनल,
कायदे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर करंट ही पूछा जाना चाहिए, कायदा यही बनता है, लेकिन आरएसपीएससी नहीं पूछती, क्या करें? हां मैं देख लूंगा कमलेश जी, विक्रम जी जवाब दे दिया मैंने आपको, हाँ तो मेरे से इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इनाजी ने जो बताया उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मेरे नोट्स तो पढ़ना ही है कमलेश जी, आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी है, उसके अलावा मैं जो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना ही है। हाँ तो हो सकता है, मैं यही कह रहा हूं ना अक्षय जी, मैं यही कह रहा हूं कि कभी भी किसी तरह की चीज चेंज हो सकता है, कभी एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, कभी साइंस टेक्नोलॉजी के आ जाएंगे, कभी साइंस के आ जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। इस तरीके से सारी चीज, और भी कोई आपके डाउट है तो आराम से पूछ लो, तो खत्म करते हैं सेशन। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, तो कांटेक्ट करने के दो तरीके, एक तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुरेश ठोलिया ऑप्शन आएगा वहां से मैसेज कर सकते हो, या फिर आप पे पुराने ज्योग्राफी के वीडियोस है मेरे, तो आरएस ज्योग्राफी सर्च करिएगा, उसमें पूरी ज्योग्राफी प्री और मेंस के हिसाब से मैंने कवर करा रखी है। एक तो ये फायदा होगा कि आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो उसे सेव कर लीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा है कि उसके लास्ट में किसी भी वीडियो के चाहिएगा तो वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, वहां से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। हाँ सक्षम जी मैं कवर कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि यदि जब भी मैं बताता हूं तो चैप्टर के गो थ्रू हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों कवर तो कर रहा मैं, फिर भी आपको टाइम ज्यादा लगेगा। थैंक यू, चलो यहीं रखें फिर। तो अगेन जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बता ही चुका हूं मैं कि वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 6300 है, बहुत ही कम चार्जेस है, और ऑनलाइन ने आपके लिए चीजें बहुत आसान भी कर दी है। दो साल के लिए 7560 है, इसके अंदर प्री का पूरा कोर्स है, मेंस का पूरा कोर्स है, आरबीएससी एनसीईआरटी सारी चीजें कवर होंगी, टेस्ट जो होंगे वो होंगे, बार बार रिविजन हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश वगैरह सारी चीजें प्रिपेयर होंगी आपकी, और यानी इसमें कंप्लीट पैकेज है, आप इसको ले सकते हैं, बट केयरफुली यूज करिएगा कोड ठोलिया 10% डिस्काउंट के लिए भी और बाकी सारी फैसिलिटीज के लिए भी, ठीक है। कॉन्टेक्ट करने के तरीके मैंने आपको बता ही दिया, आरएस ज्योग्राफी के वीडियो से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।